हूँ नरेंद्र मोदी जी शायद दुनिया के इकलौते राष्ट्र प्रमुख होंगे और भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जहां जाते हैं जिस देश में जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका दौरा होता है वहां उनके पहुंचने से पहले विरोध शुरू हो जाता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, नारेबाजी होने लगती है कि आप वापस जाइए, हमें स्वागत नहीं करना। हाल का उदाहरण बांग्लादेश का है। कोरोना काल में जो विदेश यात्राएं रुकी हुई थी मोदी जी की, अब वो दोबारा शुरू हुई है। बांग्लादेश पहुंचे हैं, बंगाल चुनाव के समय रणनीति नहीं मालूम क्या है, लेकिन उनके जाने से पहले वहां भारी विरोध चल रहा है और छात्र छात्राएं जो है सड़कों के ऊपर उतरी हुई हैं बांग्लादेश की ढाका की सड़कों पर, और उनका निरंतर एक ही नारा है कि वापस जाइए, हमें आपका स्वागत नहीं करना है। अखबारों में खबर भी छपी है, लेकिन पहले आप वीडियो देख लीजिए, शायद ये एक ऐतिहासिक मामला है जो हर बार होता है इनके साथ। देखिए इस वीडियो को, कैसे लोग गुस्से में है कहां के, बांग्लादेश के। देखिए अब वो तमाम लोग जो कहते हैं कि विदेश में डंका बज रहा है, उनको बताइए विदेश में घंटा बज रहा है, लेकिन गोदी मीडिया दिखाता नहीं है, इसलिए आपको मालूम नहीं है। नव भारत टाइम्स ने छापा भी है, बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय में पीएम मोदी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन, 20 लोग घायल। क्या हमारे देश के अंदर डिबेट होने चाहिए थे? क्या बड़े बड़े चैनल जो सरकार के प्रवक्ता बन के रह गए हैं, क्या उनको डिबेट कराने चाहिए थे? क्या उनको अपने बुलेटिन में इसको शामिल करना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी जी जब बांग्लादेश पहुंचे हैं तो वहां उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा है? लेकिन कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। लोगों का कहना है कि एक शायद बहुत बड़ा दाव था जो उल्टा पड़ गया। पहुंचे थे बांग्लादेश बंगालियों के साथ साथ चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी के बहुत सारे लोग, लेकिन वो हो गया उल्टा मामला, वहां तो बंगाली लोगों का गुस्सा झेलना पड़ गया जिसका असर बंगाल के चुनाव के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि चर्चा करेंगे तो पोल खुलेगी। अब ये जो विरोध हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में, कोई नई चीज नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको मालूम नहीं पड़ता है। जहां जहां गए हैं वहां वहां विरोध हुआ है, वहां वहां लोगों ने नारेबाजी की है, लेकिन कोई चर्चा ही नहीं है। कुछ साल पहले जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उसके 2-1 साल बाद इंग्लैंड पहुंचे थे और इंग्लैंड में जम के विरोध हुआ था, लेकिन कितनों ने यहां दिखाया था ये आपको खुद मालूम है। मैं आपको दिखा देता हूं, याद ताजा हो जाएगी आपकी, कि कैसे भारतीय मूल के लोग, विदेशी मूल के लोग सब मिलकर विरोध कर रहे थे और गो बैक के नारे लगाए थे। देखिए इस वीडियो को जिसके अंदर इंग्लैंड का जिक्र है, देखिए। दोस्तों ये बात है आज से 5 साल पुरानी, लेकिन आप में से कितनों को पता है या आपको खुद मालूम होगा। वो तो अभी बांग्लादेश में विरोध हुआ तो याद ताजा हो गई। ये इंग्लैंड की बात थी, जब इंग्लैंड के दौरे पे गए थे, पहला दौरा था जहां तक मुझे पता है, तो इतना भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। ये इतिहास में किसी के साथ इतना नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है साहब डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। अरे 70 साल डंका बजा है भारत का, अभी जो है बीजेपी का घंटा बज रहा है, बीजेपी की लंका लग रही है, भाजपा ही नेताओं की लंका लग रही है, पर चर्चा कोई नहीं करेगा। सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित नहीं है, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि मैं कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां जाते हैं वहां विरोध हो जाता है, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, लेकिन दिखा रहा हूं सिर्फ इंग्लैंड का। चलिए आपको अमेरिका का दिखा देता हूं। जिस जमाने के अंदर आपको दिखाया जा रहा था हाउडी मोदी, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स, बड़े बड़े शोज, खासतौर पर मीडिया का एक बड़ा वर्ग गोदी मीडिया जो गठबंधन में शामिल है बीजेपी के साथ, वो तो आपको ऐसे कसीदे पढ़ रहा था मोदी साहब के जैसे कोई पता नहीं अवतार आए हों ऊपर से, इनसे बड़ा तो कोई आया ही नहीं इतना अच्छा शायद राष्ट्र प्रमुख। लेकिन उसी दौरान अमेरिका की सड़कों पर विरोध चल रहा था और गो बैक मोदी, मोदी वापस जाओ के नारे लग रहे थे, पर किसी ने नहीं बताया।
आपसे किसी ने दिखाया भी नहीं, आप में से लोगों को मालूम भी नहीं होगा, यकीन नहीं आता। देख लीजिए, ये वीडियो क्लिप भी देख लीजिए जहां अमेरिका के हालात हैं, और ये लोग जो वायर ने साझा किया था इसको, वहां पर किस तरह का प्रदर्शन चल रहा था। ये एक साल पुरानी बात है, देखिए। दोस्तों, आपने देखा बांग्लादेश में अभी विरोध चल रहा है, उसके साथ साथ अमेरिका जब गए वहां विरोध हुआ, इंग्लैंड जब गए वहां विरोध हुआ, जहां जहां गए हैं वहां वहां विरोध हुआ है। लेकिन गोदी मीडिया के लिए बस सबसे बढ़िया चीज जो अच्छा अच्छा है वो गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू।